Hello dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you the word problems of addition and subtraction of length measurement. आज हम लोग लेंथ की जो मेजरमेंट है उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको एड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे, कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग एड करेंगे और कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. सबसे पहले हमारे पास में एडिशन कीवर्ड्स, ठीक है. एडिशन कीवर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स आते हैं जैसे टोटल. टोटल अगर हमारे पास में है तो उस वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा, एडिशन. अगर हमारे पास में इन ऑल है तब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें भी एडिशन. और अगर ऑल टुगेदर आता है तब भी हम उसके अंदर क्या करेंगे, एडिशन. ठीक है, तो ये तो तीनों कुछ हमारे पास में कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम किसकी है, एडिशन की. अगर हमारे पास में इनकी जगह ये वाले वर्ड्स आते हैं कि फाइंड द अदर, कि दूसरे किसी को फाइंड करो, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. हाउ मच लेफ्ट वाली कंडीशन आती है तब भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. हाउ मच मोर विच इज लेसर, अगर ये वाली कंडीशन आती है तब भी हम क्या करेंगे, हमारी वर्ड प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्शन करेंगे. इट मीन्स ऐसे जो कीवर्ड्स हमारे पास में हमारी वर्ड प्रॉब्लम में आ रहे हैं तब तो हमें इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमें एडिशन करना होगा या फिर सब्ट्रैक्शन करना होगा. लेकिन अगर हमारे पास में ये कीवर्ड्स नहीं आ रहे हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से रीड आउट करेंगे और उसको एक बार अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तो हमारे कीवर्ड्स की बात हो गई. अब हम हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम राइट कर रही हूँ और उनको सॉल्व करके भी आपको शो करती हूँ. ठीक है, हमारी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है, स्वाति बॉट थ्री पीसेस ऑफ रिबन. स्वाति बॉट थ्री पीसेस ऑफ रिबन. वन ऑफ देम वाज 38 सेंटीमीटर लॉन्ग. द सेकेंड 29 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द थर्ड 26 सेंटीमीटर लॉन्ग. What length of the ribbon did she buy all together? हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑल टुगेदर आ गया. इट मीन्स हमें पता चल गया कि हमें करना क्या है, यहाँ पे एडिशन करना है. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि एडिशन तो हमें करना ही करना है, लेकिन किन किन का एडिशन करना है वो हम लोग एक बार हमारी वर्ड प्रॉब्लम को रीड करके देख लेते हैं. वर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी, स्वाति बॉट थ्री पीसेस ऑफ रिबन. स्वाति ने रिबन के थ्री पीसेस बॉट किए हैं जिसमें से फर्स्ट वाला जो रिबन है वो 38 सेंटीमीटर का है. कितने सेंटीमीटर का है, 38 सेंटीमीटर का. दूसरा वाला जो है हमारे पास में वो 29 सेंटीमीटर का है. कितने सेंटीमीटर का है, 29 सेंटीमीटर का. और तीसरा हमारे पास में जो रिबन है वो 26 सेंटीमीटर का है. ठीक है, तो ये तो हमें पता चलेगा कि हमारे रिबन्स इतने इतने सेंटीमीटर के आए हैं. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे, व्हाट लेंथ ऑफ द रिबन डिड शी बाय ऑल टुगेदर.
यानी कि उसने कंप्लीट जो लेंथ फाइंड करी है, लेंथ जो गेट करी है रिबन की वो कितनी है, तो उसके लिए हमें इन तीनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो आंसर अगर हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अगर ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में होता तो हम इनके क्या बनाते, दो कॉलम्स बनाते। जो ऊपर मैंने कल आपको मीटर और सेंटीमीटर का एडिशन बताया था और सब्ट्रैक्शन बताया था, उस तरीके से आप लोग इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको एड, 8 + 9 = 17, 17 + 6 = 23, और 23 के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, 3 और 2 को कैरी कर लेंगे। 2 + 3 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, इक्वल टू, इसमें इट मीन्स उसने कितनी टोटल लेंथ की है गेट, 93 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोग अपना जो एडिशन है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब अगर इसकी जगह आपके पास में कोई दूसरी वर्ड प्रॉब्लम होती है तो आपने एडिशन राइट कर दिया, सेंटीमीटर में आपका आंसर आना था क्योंकि क्वेश्चन भी आपका किसमें था, सेंटीमीटर में। आप चाहो तो इसको एक ही बार ऊपर भी राइट कर सकते हो कि सेंटीमीटर वाला ये हमारा कॉलम चल रहा है, तो आपका आंसर उस तरीके से भी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है आपका क्वेश्चन तो आप उन दोनों का टू कॉलम्स बना लीजिए। सेंटीमीटर वाले में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ओनली टू कॉलम्स हो सकते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो टू ही डिजिट आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हो, अगर थर्ड जो डिजिट आ रहा है तो वो आपका फिर मीटर वाले कॉलम में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो। अब नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन राइट करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट इज कमला बॉट अ रील ऑफ थ्रेड मेजरिंग 500 मीटर, ठीक है। मीटर का जो साइन है वो एम लगाते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे ओनली 500 मीटर राइट कर दिया है। शी यूज्ड 372 मीटर फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स। How much thread was left with her, यानी कि क्वेश्चन क्या है, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हाउ मच लेफ्ट वाली कंडीशन आ गई, इट मीन्स हमें यहाँ पे करना तो क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन एक बार हम लोग हमारे क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि कौन से नंबर को हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होगा। कमला बोट ए रील ऑफ थ्रेड मेजरिंग 500 मीटर। कमला ने एक रील खरीदी जिसका मेजरमेंट कितना था, 500 मीटर, ठीक है। उसमें से उसने शी यूज 372 मीटर फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स। उसमें से उसने 372 मीटर जो लेंथ है वो थ्रेड की, वो उसने स्टिचिंग के लिए यूज कर लिया। कितनी लेंथ, 372 मीटर। हाउ मच थ्रेड वॉज लेफ्ट विद हर, तो अब उसके पास में कितनी थ्रेड बची है, टोटल में से उसने इतनी यूज कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेटर में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन का आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे मीटर तो एज इट इज रहेगा, सब्ट्रैक्ट करो, जीरो से हम लोग टू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे भी जीरो है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो ये 5 की जगह 4 हो गया, यहाँ पे हमारे पास में 0 की जगह क्या हो जाएगा, 9, और इस वाले की 0 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,
9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 4 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा 128 मीटर। इट मींस अब उसके पास में जो थ्रेड बची हुई है वो कितनी है 128 मीटर। आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरीज देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।